तुषार कहाँ जा रहे हो? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ। तुमसे मतलब पार्टी? मैं भी चलूँ आपके साथ? तुम पागल हो क्या? तुम जैसी हकली को अगर मैं पार्टी में ले गया तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन मैं पार्टी में आ गई तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मैं अगर तुम्हें पार्टी में ले गया तो वो सब दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। क्या तुम यही चाहती हो कि सब लोग मुझ पे हंसे? नहीं, ऐसा नहीं चाहती, लेकिन आप तो मुझे कहीं भी नहीं ले जाते। क्योंकि तुम कहीं पे ले जाने के लायक ही नहीं हो। सुबह बोलना शुरू करती हो तो शाम को खत्म होता है। चुपचाप घर में बैठो। यस सर, आई एम वर्किंग ऑन इट। हो जाएगा सर। हाँ, ओके। कैसी लग रही हूँ मैं? जैसी है वैसी तो दिख रही है, क्या नया है इसमें? लेकिन आज मैंने वन पीस पहनी है। आपके फ्रेंड्स पहनती है तो आपको अच्छा लगता है ना, इसलिए मैंने भी आज पहनी है। अच्छा, वन पीस पहनी है? अरे तू जब मुंह खोलती है तो तुझसे बात करने का मन नहीं करता है, तो तेरी तरफ क्या खाक देखूं? लेकिन आज मेरा बर्थडे है तुषार, क्या आपको याद नहीं? ओह, तो तुम्हारा बर्थडे आज, तो क्या मैं नाचूं? तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे बर्थडे का घर पे सेलिब्रेशन करूं और सबके सामने मेरी बेइज्जती कराऊं? लेकिन मैं हकलाती हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, गलती तो मेरी है कि मैं तुम्हारा पति हूं। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने मम्मी पापा को हाँ बोल दिया तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। खुद तो गाँव जाके बैठे और ये मुसीबत मेरे गले डाल के गए। मम्मी पापा के बारे में कुछ मत बोलिए, मैंने MBA किया हुआ है इसलिए शादी करवाई आपसे मम्मी पापा ने। क्या फायदा है तेरा MBA करने का अगर तू अपने बारे में 4 लाइन तक नहीं बोल सकती? चल जाए यहाँ से। बढ़िया ही बर्थडे मनाने। बॉस? यस सर। आई एम वर्किंग ऑन इट। सर, क्या हुआ तुषार? बहुत परेशान लग रहे हो। देखो, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मामा, मैंने सुना ऑफिस से कॉल था, बताओ ना। देखो, पिछले 3 महीने से कंपनी का सेल्स बहुत डाउन हो गया है और सारा प्रेशर मुझ पे है, और अगर आज मैंने सेल्स बढ़ाने के लिए कोई अच्छा आइडिया नहीं दिया तो मेरी जॉब भी जा सकती है। आपके प्रोडक्ट क्या है? फेयरनेस क्रीम है। आपके कंपनी का टर्नओवर कितना है? 30 करोड़। और प्रोडक्ट की वैल्यू? 50 रुपए। एक प्रोडक्ट में कितना मटेरियल होता है? अरे सब फालतू के सवाल छोड़ो, सीधा पॉइंट पे आओ कि तुम्हारे पास आइडिया क्या है। बहुत अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपके क्रीम के ट्यूब का जो टॉप पॉइंट है जहाँ से क्रीम बाहर निकलती है उसको सिर्फ 0.5 ml बड़ा कर देंगे तो आपकी कंपनी का सेल अपने आप बढ़ जाएगा। इससे प्रॉफिट कैसे होगा? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, गेज बड़ा करने से क्रीम पहले के मुकाबले ज्यादा निकलेगी, और क्रीम ज्यादा निकलेगी तो जल्दी खत्म हो जाएगी, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि क्रीम जल्दी खत्म हो गई। एक मिनट, मैं आपको प्रैक्टिकल समझाती हूँ। देखिए, ये ट्यूब का गेज अगर हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा तो ये पहले के मुकाबले क्रीम ज्यादा गिरेगा और जल्दी से जल्दी लोगों का क्रीम खत्म हो जाएगा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्रीम खरीदेंगे और इसके वजह से आपकी कंपनी का सेल ऑटोमेटिकली 20-30% बढ़ जाएगा। That's very good and practical idea. मैं इसे अपने प्रेजेंटेशन में अप्लाई करता हूँ। Let's see क्या होता है। रोशनी रोशनी रोशनी, आज मैं बहुत खुश हूँ।
क्या हो गया? तुमने जो बिजनेस आइडिया मुझे दिया था, आज उसका प्रेजेंटेशन था। सारी टीम ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और बॉस को तो वो आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने आज मेरा प्रमोशन कर दिया। क्या? ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, ये खुशी का दिन सिर्फ तुम्हारे कारण है, लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे माफ कर देना, मैंने कभी एक पति होने का फर्ज नहीं निभाया। हमेशा तुम्हारा अपमान किया, हमेशा तुम्हारे हकीकतपन का मजाक बनाया, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि एक पत्नी चाहे तो अपने पति को किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। आई एम सॉरी। आप मुझसे सॉरी मत बोलिए, आपको मेरी कदर हो गई, वही मेरे लिए काफी है। तुम सच में बहुत अच्छी हो।